मसला ये है कि कुर्बानी क्या वाजिब है या सुन्नत है, तो इस बारे में भी दोनों राय मिलती हैं उलमा की। जो उलमा कहते हैं सुन्नत है, वो भी आम सुन्नत नहीं मानते बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो नहीं करेगा काबिल मलामत होगा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की राय के मुताबिक ये वाजिब है, और इसकी दलील वही है कि पहली बात तो ये कि इबादत है, और इबादत में एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है, क्योंकि एहतियात इसी में है कि इसको अगर वाजिब करार नहीं देते तो बहुत से लोग कुर्बानी का फरीज़ा छोड़ सकते हैं, और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि क़यामत में उनको गुनाह ना मिले, तो इसलिए एहतियात के पहलू को तरजीह जाएगी। और मज़बूत दलील इमाम हनीफा की कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है, मऊ वजह दस्यातलिया फलम यकरबन्ना मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश थी और उसने कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत फटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने कुर्बानी नहीं की अपने दौरे खिलाफत में, इससे पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्कीन थे, गरीब थे, अगरचे मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये उनकी एक क्वालिटी थी कि इतने लाखों मुरब्बा मील के मालिक होने के बावजूद वो पेवनज़दा कपड़े पहनते थे, तो साहिब इस्तेआत पर कुर्बानी वाजिब है। ये दोनों हज़रात बड़े थे मगर कुर्बानी नहीं की इन्होंने, जैसे कि रिवायत में आता है, उसकी वजह इस्तेआत ना होना। तो इस्तेआत अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी लाजिम नहीं है, बल्कि अगर आप कर्ज़ा लेके कुर्बानी करोगे और ख़तरा है कि मैं कर्ज़ा अदा नहीं कर सकता, तो फिर तो जायज़ ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि दूसरों का हक दबा के आपके लिए इबादत को की बजावरी ये ठीक नहीं है। तो आ जाइए पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत। तो मैं पहले बता चुका कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है इस बात पर कि हज की कुर्बानी तो फर्ज है या वाजिब, ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता जो ईद कुर्बान की कुर्बानी है इसमें सवाए हनफियों के बाकी पूरी उम्मत का इत्तफाक है, अहले सुन्नत का भी और अहले तशय्यो का भी, कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीद शुदा सुन्नत है, कोई आम सुन्नत नहीं। हनफी कहते हैं वाजिब है, और जाहिर है वो हदीस बड़ी सख्त है जो मैं पहले बयान कर चुका, सुनन इब्ने माजा में, मुस्नद इमाम अहमद में, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ है, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफकत की है कि जो इस्तेआत के बावजूद कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाहों के करीब भी ना फटके। अब इसके बाद अगर कोई वाजिब का रिजल्ट निकाल ले तो बईद नहीं है, लेकिन हम चूंकि मुकल्लिद नहीं है और ना गैर मुकल्लिद है, मुत्तबे सुन्नत है, हम सहाबा इकराम और अहले बैत के फहम के मुताबिक किताब सुन्नत को समझते हैं। तो अब क्यों हम इसको वाजिब नहीं समझते, वो दलील है सुनन अल कुबरा अल बहीकी में और मुसन्नफ अब्दुल रजाक में सही सनद के साथ कि सैयदना अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों खलीफतुल मुस्लिमीन बाज़ुकात जान बूझ कर कुर्बानी छोड़ दिया करते थे सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग इसको वाजिब ना समझ लें, यानी इस्तेआत के बावजूद कभी कभार, हमेशा नहीं। और सुन्नत मौकदा की तारीफ भी यही है कि हमेशा छोड़ने वाला जो है वो गुनागार होगा, कभी कभार छोड़ने वाला गुनागार नहीं। लिहाजा अब इसमें खुसूसन हमारे अहले सुन्नत में से जो अहले हदीस मकबे फिक्र के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि अहले हदीस मकबे फिक्र के लोग जो है वो हनफियों के मुकाबले पर ये बहुत चीज प्रोपेगेट करते हैं कि जी हनफी इसको वाजिब कहते हैं हालांकि ये सुन्नत है। देखें अबू बकर उमर ने छोड़ दी, अब अगर हम चंद फैनेटिक्स किस्म के अहले हदीस उलमा वाला फतवा लगाएं कि आप हदीस को छोड़ के अबू बकर उमर के पीछे लगे हुए हैं, जो ये अक्सर कह देते हैं जब हमें हम इनको कोई सहाबी का कॉल बताते हैं तो कहते हैं जी हदीस देखें आप अबू बकर उमर के पीछे चल पड़े, और हालांकि यहां पर हदीस को देखा जाए तो हनफी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हदीस को ईदगाहों के करीब भी ना आए जो कुर्बानी नहीं करता तो वाजिबियत निकलती है। लेकिन इस हदीस का फॉर्म सहाबा से समझा कि आप ने डराने के लिए कहा है, इतनी ताकीद की है, इससे मुराद वाजिबियत नहीं बल्कि सुन्नत मौकदा है, और इसका सहारा जो है वो यही सईदना अबू बकर उमर का अमल है। वरना हदीस पे जाएं तो अब यहां पर तमाम अहले हदीस कहते हैं कि नहीं नहीं अबू बकर उमर ने अगर ये किया है रदी अल्लाह तआला तो यही वजह है। तो हम भी कहते हैं भाइयों दाढ़ी के मसले में भी जो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा और सईदना अबू हुरैरा दो ही रावी हैं, दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें पस्त करो, इस हदीस के दो ही रावी हैं और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के कायल थे और काटते थे। सही बुखारी में है कि वो हाजर उमरे के मौका पर अब्दुल्ला बिन उमर काटते थे, और सुन्न अबी दाऊद के अंदर और अल मोता इमाम मालिक में है कि मुतलकन काटते थे।
तो पूरी डिटेल के साथ मैंने गुफ्तगु की है ahlesunnatpak.com पर। अभी तक जिन जिन उलमा ने सुनी किसी के पास जवाब नहीं है। मसला नंबर 33 के नाम से एक घंटे की गुफ्तगु है, दाढ़ी की अहमियत और उसकी मिकदार का बयान, और उसमें दोनों एक्सट्रीम रवैये जो है मैंने उनका अल्हम्दुलिल्लाह रद्द किया है कि सहाबा के फहम को देखना है। खाम खानी कह देना कि सहाबा ने गलत काम किया है, वरना सबसे पहले तो तरावी की नमाज बंद करवाई जाए, जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी, वहां फिर सहाबा इकराम की बना लेते हैं। नहीं जी, सहाबा ने शुरू करवाई थी तो अब मरफू हदीस कहां गई? तो सहाबा इकराम ने मिरदवान का अगर कोई अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो हमारे सेंस में वो रिजेक्टेड नहीं होगा, एन मुमकिन है वही फॉर्म हो उसका, ता वक्ते के सहाबा में इख्तलाफ ना हो जाए। इख्तलाफ हो जाए फिर हम देखेंगे जमहूर की राय क्या है। जैसा कि हज तमत्तो के मसले में अब्दुल्ला बिन उमर और सईदना उमर क्या इख्तलाफ हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, सईदना उमर ने अपना डिसीजन वापस लिया, जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। जहां इख्तलाफ कोई ना पाया जाता हो तो 14वीं सदी के मुल्लों के कहने पर अब्दुल्ला बिन उमर को हम बिदती नहीं कह सकते इस मसले में, वलियाज़ बिल्लाह ताला। तो ये मसला मैंने यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया।